तो फिर आज हम फिर से गाय के पास आ गए हैं और गाय की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है। तबीयत तो ठीक क्या है, थोड़ा सा इसको देखो तो मेरे को देखे कैसा कर रही, मारने के लिए है, मेरे को मारने के लिए कैसा आ रही है। थोड़ा सा तबीयत ठीक है, थोड़ा सा उसकी आज तबीयत ठीक से गुरु की, थोड़ा सा उसको पानी वानी पिलाते हैं फिर अंदर बात के फिर जाएंगे आज हम आड़ू तोड़ने। तो फिर हम लोग फिर से खेत में पहुंच गए हैं और अभी हम लोग सुबह नाश्ता वास्ता करके आ गए थे, तो फिर अभी यहाँ पर आज फिर से आड़ू तोड़ने हैं, आड़ू भी तोड़ने हैं, बीन भी तोड़नी है, गोभी भी काटनी है और आलू भी खोदने हैं। थोड़ा बहुत मैं लेके जाऊंगी आज हल्द्वानी को, तो फिर बाकी जो भी बचेगा उसको भी मार्केट भेजेंगे बेचने के लिए। तो आज भाभी और दो आ रखे हैं, भाभी भैया भी आ रखे हैं, तो आज मेरे को हल्द्वानी में जाना है तो फटाफट से आड़ू वगैरह तोड़ते हैं। शाम भैया आड़ू तोड़ने में बिल्कुल यहाँ पर हो रही है आड़ू तोड़ाई, अभी थोड़े बीच बीच में हरे भी हैं और थोड़े पक भी गए हैं, जो पके पके हैं उनको तोड़ लेते हैं मार्केट भेजेंगे, बाकी जो बचेंगे उनको फिर हल्द्वानी लेके जाएंगे खाने के लिए। ये देखिए मस्त आड़ू हो रहे हैं। यहाँ पर खोद रहे हैं आलू और आप निकलेंगे यहाँ से, आलू देखना कितने किस तरीके से आलू निकलते हैं खेत से, ये देखिए ऐसे निकाले जाते हैं आलू। ये घर का आलू है बिल्कुल, ये है घर का आलू, खाने के लिए लगा रखे हैं, बाकी जो ज्यादा होगा तो बेच देंगे। रख दे अंदर। ये देखिए तो अपने के लिए इतने सारे बीन तोड़ लिए हैं ले जाने के लिए, तो उसको लेके जाएंगे। अभी भाई लोग तोड़ रहे हैं, खोद रहे हैं, मतलब आलू, तो फिर इसके बाद आलू भी लेके जाऊंगी मैं। अब हमारे मेहमान जाने लगे हैं भाई, मेहमानों की विदाई हमारे मेहमान जाने लगे जिया जी हमारे आड़ू तैयार हो गए हैं, ये देख सकते हो एकदम फ्रेश माल, एकदम बड़े बड़े दाने। ये है मेरे आलू जो भाभी लोगों ने मेरे को दे रखे हैं खोद के, तो इनको पैक करते हैं कट्टे में, अभी भाभी और लेके आ रही है आलू। ये हैं भाभी लोग के आलू जो इन्होंने इतने सारे मेरे को खोद के दे रखे हैं, अभी और भी दिखाते हैं आपको। ये हैं आलू ताई वाले जो ताई ने मेरे को दे रखे हैं, गोभी के बॉल भी हैं, ये है इतने सारे आलू। आज ये इकट्ठा आलू हो गया मेरा। चल फिर शाम भाई, बाय बाय। चल फिर हम लोग जाने लग गए हैं, भाभी आ रही है छोड़ने। बाबू कहाँ से, बाबू बाय 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 सब जाने लगे हैं। ये देखो भाभी भी आई है छोड़ने के लिए। आवा हिटा जाए बाबू, भली के बह रहा है। ओ भाजी आओ क्या कहो, अभी ये मैं सुनल वीडियो में एक बार आएगा वहाँ। बाय चारू बाय सारू बाय बाबू। तो मैंने अपना सामान स्कूटी में रख लिया है,
पूरा स्कूटी पैक हो गई है। और ये है काफल की बाल्टी जो मैंने तोड़ दी है। और ये भाभी भाभी भी आ रही है भीमताल तक। ताई बाय। मैं पहुंच गई हूँ पद्मपुरी से भीमताल, और भीमताल में भाभी लोग उतर गए थे, तो मैं थोड़ा सा व्यू का मज़ा ले रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। और यहाँ रोडों में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक 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 लगा हुआ है। और यहाँ को भी देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक, पूरा एक साइड की लाइन पूरी जाम हो रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो हमें थोड़ी देर भीमताल के मज़े लेते हैं, मस्त व्यू आ रखा है यहाँ से, और आप लोग भी थोड़ी देर इंजॉय करें। देख सकते हो कि पूरे ताल में पूरे बोटिंग बोटिंग हो रही है यहाँ, और काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है देखने के लिए, जो काफ़ी मज़ा, और एकदम ठंडी हवा चल रही है यहाँ से। हेलो, तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर हल्द्वानी फाइनली। तो अभी टाइमिंग हो रही है 6 बजे, तो मैं 6 बजे पहुंच गई थी, क्योंकि पूरा भीमताल से लेके मतलब रानीबाग तक पूरा काटगोदाम तक पूरा जाम जाम था। तो मैं तो मेरे पास तो स्कूटी थी, मैं तो किनारे से निकल के आ गई, लेकिन बाकी लोग वहीं फंसे हुए थे जो गाड़ी में थे। तो काफ़ी ट्रैफिक ट्रैफिक हो रहा था, क्योंकि कल शनिवार था और आज इतवार था, तो 2 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से पूरा जाम लगा हुआ था रोड पे। तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है, वहाँ तो पहाड़ में तो ठंडा ठंडा हो रहा था, मैंने जैकेट और स्वेटर पहनी हुई थी, यहाँ तो गर्मी हो रही। तो मैं आपको अभी यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो अभी आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, तो धूप तो है ही अभी, लेकिन थोड़ा सा हवा चल रही है एकदम मस्त वाली, तो कुछ ऐसा मौसम और बादल बादल से लगे हुए हैं। तो मैं अभी आपको डुग्गू से मिलाती हूँ। डुग्गू, ये है मेरा डुग्गू बेबी, तेरे को मेरी याद नहीं आई, तेरे को मेरी याद नहीं आई नंगू। हेलो कर दे, चल हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो हेलो, तेरे को मेरी याद नहीं आई, तेरे को मेरी याद नहीं आई नंगू को। यहाँ हवा चल रही ना अच्छी वाली, क्या कर रहा था तू, क्या कर रहा था तू, क्यों रो रहा था, हैं क्यों रो रहा था, चल फिर बैठ बैठ बैठ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो गया, क्योंकि मेरे पास सामान इतना था स्कूटी में, एक कट्टा और एक बैग था, ऊपर से उसमें काफल की बाल्टी से मुझे डर लग रही थी कहीं गिर ना जाए, क्योंकि उसका ढक्कन थोड़ा सा लूज़ था। तो मैं उसको ऐसे पकड़ पकड़ के लेके आई, तो मैं बता नहीं सकती, मेरे पैरों में इतनी दर्द हो गई ना, और ये वाला हाथ एक्सीलेटर देते देते ये पूरा दर्द कर रहा है, तो भयंकर ही, क्योंकि मैं रास्ते में कहीं रुकी भी नहीं, क्योंकि इतना जाम लगा था, मुझे लगा कि मेरे को रात अंधेरा ना हो जाए करके, तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी में घर आना पड़ा। तो भी घर पे तो है ही नहीं, मम्मी भी नहीं, मम्मी गई है घूमने, पापा गए हैं सब्जी लेने, और सूरज अंदर बैठा हुआ है। चलो फिर मैं आपको भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। हमको मिला हमको प्यारा सा डॉगी, ये कितना प्यारा सा डॉगी है, और स्कूटी में कितने मस्त तरीके से बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया मेरा स्कूटी में। घर पहुंचने के बाद मैं और सूरज फिर से आ गए मार्केट, तो कल को मैं जाऊंगी गैरसैंण को, तो थोड़ा सा सामान लेना था, इसलिए मैं और सूरज आ रखे मार्केट। और अभी हम पहुंच गए कालू साहिब पे, और आज संडे है तो भीड़ तो नहीं है, सिर्फ शनिवार को भीड़ होती है। ये देखिए, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, ट्रैफिक 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 हो रखा है, हाँ संडे के उससे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मार्केट घूमने में ना रात को मज़ा आता है, 7-8 बजे के आसपास पूरी लाइट लाइट जलती है ना, इसलिए मज़ा आता है। और मार्केट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये है हमारे शॉट, कैसा होता भाई ये, अच्छा होता है। मैं भी टेस्ट कर लूँ, अच्छा हो गया मस्त। मम्मी ने बनाई है अमचूर की चटनी, और ये है मीठा गुड़ वाला, और इसमें मम्मी ने काजू बादाम वगैरह किशमिश वगैरह सब डाल रखे हैं, वही कर रही है। और ये देखो किशमिश मुझे मिल गया, ये है किशमिश ऑनल आ रहा हो, बढ़िया रहा कमला कमला धरती, मस्त हो रहा है।
मैं पहुंच गई हूँ मार्केट से घर, और मार्केट में थोड़ा बहुत मेरा सामान था क्योंकि कल मैंने जाना है गैरसैंण को, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सामान खरीद के ला गई हूँ। और अभी मैंने पैकिंग वैकिंग करनी है, पैकिंग नहीं करी है क्योंकि मैं गांव से बहुत सारा सामान लेके आई थी अपने के लिए, सब्जी वगैरह लेके आई थी, तो मेरे को भाभी और ताई लोगों ने बहुत सारा सामान दिया था, तो अभी मैंने पैकिंग करनी है, कट्टे में पैक करना है, तो मैं ले जाऊँगी, थोड़ा बहुत ही लेके जाऊँगी। तो फिर चलो, फिर मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय।